वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज आ गया हमारे वीडियो नंबर 60 पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने बैंकिंग चैप्टर खत्म किया, अब हमारे अगले चैप्टर पे आते हैं एग्रीगेट डिमांड। ध्यान रखना ये एक चैप्टर नहीं है, ये पूरी यूनिट है। इस यूनिट में तीन चैप्टर आएंगे, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो इस चैप्टर को पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, उसके कौन कौन से कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, फिर अगले चैप्टर पर आएंगे। सो देखो, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड। अब ध्यान से समझना इस चीज को, एग्रीगेट डिमांड बोलो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, एग्रीगेट डिमांड बोलो या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बोलो, दोनों एक ही चीज है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब मैं खर्चा करूंगा तो ही तो कोई चीज लूंगा। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर सेम थिंग। अब आती है कि एग्रीगेट डिमांड है क्या, तो देखो, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। यानी एक साल के अंदर मेरी इकोनॉमी सारी चीजों की कितनी डिमांड कर रही है। यानी फॉर एग्जाम्पल, एक साल के अंदर हमारे पूरी इकोनॉमी में 1000 करोड़ की डिमांड होती, तो वो क्या हो गई, एग्रीगेट डिमांड। अब इसमें याद रखने वाली चीज क्या है, विच ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय, आर प्लानिंग टू बाय। प्लानिंग टू बाय का मतलब ये एक्चुअल डिमांड नहीं है, एक्चुअल की मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि आने वाले साल में या इस साल में मेरी इकोनॉमी कितना डिमांड कर सकती है। समझ में आया, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, कि एक साल के अंदर सारे गुड्स एंड सर्विसेज पे मैं कितनी डिमांड करने की सोच रहा हूं, मैं आने की पूरी इकोनॉमी, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी सेम है, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर की भी यही डेफिनेशन हो जाएगी। अब समझना इस चीज को, ये तो हो गया एग्रीगेट डिमांड क्या होती है। नेक्स्ट हम आते हैं एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स, कि हम डिमांड कैसे करते हैं और कब कब करते हैं। एग्रीगेट डिमांड समझ गए कि एक साल के अंदर पूरी इकोनॉमी कितनी डिमांड करने की सोच रही है, इट इज अ प्लान नॉट एक्चुअल, ठीक है। तो देखो, अब बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। पहला कंपोनेंट, हम डिमांड कब करेंगे, खुद सोचो कि अगर मुझे डिमांड करनी है तो मैं किसी भी चीज की डिमांड क्यों करूंगा। पहला, वो चीज कंज्यूम करने के लिए, जैसे हो गया तेल, मिल्क, घी, ये सब क्या है, ये मैं डिमांड कर रहा हूं क्यों, कंज्यूम करने के लिए। तो पहला कंपोनेंट आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पहला क्या आया, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी मैंने प्राइवेट यानी कि मैं डिमांड कर रहा हूं कंज्यूम करने के, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो हो गया मैंने कंज्यूम करने के लिए डिमांड करी है। इसके बाद आएगा कि मैंने डिमांड करी है पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, 1 लाख रुपए जमा करे और कार खरीद ली, 1 लाख रुपए जमा करे और कार खरीद ली, तो वो क्या है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, वो क्या है, कोई इन्वेस्टमेंट है। तो मैं डिमांड क्यों करूंगा, पहला तो हो गया कंज्यूम करने के लिए, सेकंड क्यों करूंगा, टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, कहीं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। तो सेकंड वुड बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलेंगे आई, ठीक है। थर्ड, और कब कब इकोनॉमी में डिमांड होती है, हमारी बात हो गई, हम सबकी बात हो गई, मैं हो गया, जितने भी कंज्यूमर है सब हो गए, प्रोड्यूसर भी हो गए, अब कौन बचा, गवर्नमेंट। थर्ड डिमांड कब बनती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने खर्चा करा, गवर्नमेंट डिमांड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, पुल बनाना है तो रॉ मटेरियल की डिमांड कर रही, वो क्या हो गया, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको हम बोलेंगे जी। एंड फाइनली, हम डिमांड क्यों करेंगे, नेट एक्सपोर्ट करने के लिए। नेट एक्सपोर्ट का मतलब सामान बाहर भिजवाने के लिए या बाहर से अंदर मंगवाने के लिए हम प्रोडक्शन करेंगे। सो नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट। सो व्हाट इज एडी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, एक्स का मतलब होता है एक्सपोर्ट और एम का मतलब इंपोर्ट्स। समझ में आया, तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, इन चारों का कॉम्बिनेशन, चारों को जोड़ा, एग्रीगेट डिमांड आ गई। अब ध्यान समझो इस चीज, ये तो एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड है, बट अकॉर्डिंग टू आवर 12th क्लास हमें पूरी एग्रीगेट डिमांड नहीं पढ़नी, हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ इतना है, क्या,
ये व्हाट इज आईटी की डिमांड, सी प्लस आई। हमें सिर्फ इतना देखते हैं, हम सिर्फ अपनी बात कर रहे हैं, ना गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, ना सामान बाहर भेज रहे। तो व्हाट इज आईटी की डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो इस कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एडी इक्वल टू सी प्लस आई, इसको लेके अब हम डिमांड का शेड्यूल बनाएंगे और उसके डायग्राम को लेके एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एग्रीगेट डिमांड का शेड्यूल। शेड्यूल पे आते हैं अपन, शेड्यूल सिंपल सा लेते हैं। हमें ये पता है व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो देखिए हमने क्या क्या लिया, इनकम लिए, कंजम्पशन लिया, इन्वेस्टमेंट लिया और फिर एडी निकाले, ठीक है। देख सबसे पहले व्हेन आवर इनकम इज जीरो, सबसे पहले इनकम कितनी है, जीरो, तो भी हमारा कंजम्पशन कितना है, 40। अब यह ध्यान से समझना, कोई बोलेगा कि भाई अगर इनकम है नहीं तो 40 रुपए क्यों कंज्यूम करूं, कंज्यूम तो करूं, इन्वेस्ट क्यों करूं। तो गाइस ये प्लैंड है, सिर्फ क्या है, एक प्लैंड। अब देखो ध्यान से, ऐसा होता है क्या, अच्छा देखो अभी हम मोस्टली आप लोगों में से 12th क्लास के, ठीक है, हम लोग कुछ अर्निंग नहीं कर रहे, कुछ अर्निंग कर रहे हैं क्या, कुछ अर्निंग नहीं कर रहे, बट स्टिल वी आर कंज्यूमिंग। कपड़े पहन रखे, कंजम्पशन है, खाना खा रहे, कंजम्पशन है, घर पे रह रहे, कंजम्पशन है, गाड़ी है, कंजम्पशन, फोन है, कंजम्पशन। सो दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोनॉमस कंजम्पशन। सो व्हाट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो, जब मेरी इनकम जीरो है तब भी मुझे कुछ ना कुछ कंज्यूम करना ही पड़ेगा फॉर द सर्वाइवल, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। और मैं इसको डिनोट करता हूं सी और ऊपर एक डैश जिसको बोलते हैं सी बार। तो व्हाट इज सी बार, कंजम्पशन व्हेन इनकम इज जीरो। अब समझ रहे हैं इस चीज को, साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी लेते हैं। इन्वेस्टमेंट भी मैंने कितना अज्यूम कर लिया, 40। ये भी कौन सा इन्वेस्टमेंट है जो कि बिल्कुल नेसेसरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं घर में रह रहा हूं तो उसका रेंट, किसी किराए के घर में रह रहा हूं तो उसका रेंट, ठीक है ना, सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके बताया है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि कॉन्स्टेंट रहेगा, भले इनकम कितनी भी हो ये उतना का उतना ही रहेगा, ठीक है। सो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई, तो एग्रीगेट डिमांड कितनी हो गई हमारी, 80। When income is zero, our expected aggregate demand would be 80, ठीक है। आगे देखो, जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ेगी हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जितने ज्यादा पैसे आएंगे उतना ज्यादा खर्च करेंगे, ठीक है। तो when our income is 100, हमारी कंजम्पशन बढ़ के कितना हो गया, 120 से कितना बढ़ गया, 120। इन्वेस्टमेंट अभी भी 40 ही है, इन्वेस्टमेंट 40 क्यों है, क्योंकि दिस इज नोन एज ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट जो कि मैं प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं कर रहा, इट इज जस्ट बिकॉज कि मैं सस्टेन रह सकूं, जो कि बिल्कुल नेसेसरी है, वो इन्वेस्टमेंट है। सो सेकेंड लेवल पर इनकम इज 100, हमारा एक डिमांड कितनी हो गई, 120 प्लस 40 दैट इज 160। आगे बढ़े, इनकम 200, कंजम्पशन भी कितना हो गया, 200, इन्वेस्टमेंट 40, सो एग्रीगेट डिमांड 240। इनकम आगे बढ़ी 300, कंजम्पशन बढ़ तो रहा है, कंजम्पशन बढ़ तो रहा है बट उतनी रेट से नहीं बढ़ रहा। सीधी सी बात है कि अगर मेरी इनकम 30,000 है तो मैं 40,000 खर्च करूंगा क्या, नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, कोशिश करूंगा कि 30 के अंदर ही आ जाऊं, ठीक है। सो मैं क्या हुआ, इनकम 300 गई, मेरा कंजम्पशन 200 से बढ़ा तो सही पर कितना रह गया, 280। तो हमारी डिमांड कितनी हो गई, 280 प्लस 40 320, ठीक है। नेक्स्ट देखो, वेन इनकम इज 400, कंजम्पशन 360, इन्वेस्टमेंट 40, तो एग्रीगेट डिमांड 400। समझ में आया, पक्की बात, देखो यार, ठीक है। सो हमने क्या देखा, वेन इनकम इज जीरो हमारा कंजम्पशन कुछ ना कुछ होता है, दैट इज नोन एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन जो कि बिल्कुल नेसेसरी है, और इन्वेस्टमेंट क्या रहता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि वी कंक्लूड दैट कि ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट जो कि नेसेसरी है, ठीक है। आगे देखो, एडी इक्वल टू सी प्लस आई था हमारा। अब देखो यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां पे अब इसका डायग्राम क्रिएट कर रहे हैं। डायग्राम ध्यान से देखना, जब हमारी इनकम जीरो है तो हमारा इन्वेस्टमेंट है 40 है,
और वो कितना रहेगा हर लेवल पे 40, भले इनकम या 100 हुई, 200 हुई, 300 हुई, 400 हुई, ठीक है, कितनी भी हुई हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहेगा, विल रिमेन ऑलवेज एज कॉन्स्टेंट, ठीक है। और देखो वेन इनकम इज जीरो हमारा कंजम्पशन तब भी कहां पे है, एट पॉइंट एस, जिसको मैं क्या कहूंगा, सी बार, ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ठीक है। सो ये हमारा जीरो लेवल पे कंजम्पशन, और फिर कंजम्पशन लगातार बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। लास्ट देखो एग्रीगेट डिमांड, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, ये कंजम्पशन हुआ, इतना इन्वेस्टमेंट और जोड़ दिया, क्या बन गया तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड, समझ में आया। तो व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड, सी प्लस आई। और देखो इन दोनों के बीच का गैप हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, क्योंकि सी और एडी में एक ही चीज का डिफरेंस है, इन्वेस्टमेंट का, और इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट। सो द डिफरेंस बिटवीन सी एंड एडी इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट एंड इट इज इन्वेस्टमेंट। ये थी हमारी आज की वीडियो, आज हमने क्या देखा, एग्रीगेट डिमांड देखे, उसके कंपोनेंट्स देखे, उसका डायग्राम देखा एंड उसका शेड्यूल। गाइज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है ये चैप्टर नहीं है, ये यूनिट है, इट कंप्राइज ऑफ थ्री चैप्टर्स, तो ये बिल्कुल बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं। इस वीडियो को आज यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि इसके बाद अगली वीडियो में हम नया टॉपिक उठाएंगे जो कि है एग्रीगेट सप्लाई। सो गाइज दिस इज इट फॉर द वीडियो एंड एट द लास्ट, ये क्या है, ये मेरी बुक है, ये मैंने खुद ने लिखी है, दिस इज फॉर माइक्रो एंड मैक्रो बोथ, ये माइक्रो है, मैक्रो भी अवेलेबल है, दोनों बुक्स अवेलेबल है, जिसको भी खरीदनी हो, जिसको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो और जो इस बुक को खरीदना चाहता है मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर 7690041256, आई रिपीट 7690041256, विद द नेम ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन इंडेक्स आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बुक अपने घर मंगवा सकते हो, दिस इज हैंड रिटन बुक नहीं है, टाइप बुक है, ठीक है ना, ठीक है। सो गाइस कीप ऑन वॉचिंग इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करो।